अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स को, विच विल हेल्प अ लॉट इन योर वेट लॉस जर्नी। सो द फर्स्ट वन इज़ डोंट स्टार्व। आपने भूखा नहीं रहना अपनी डाइटिंग के दौरान। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर आप इस तरह की डाइट करते हैं जिसमें आप भूखा रहते हैं, तो आप जो है ये डाइट प्लान सिर्फ चंद दिन फॉलो कर सकेंगे और तीसरे या चौथे दिन आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने इसको जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर हम लोग डाइट कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा हम खा भी नहीं सकते और हम लोगों ने भूखा भी नहीं रहना, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आपने क्या करना, आप कोई हेल्दी चीज़ ऑप्ट करें, लाइक आप कोई क्यूकम्बर ले सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ ले सकते हैं जिसमें कम कैलोरीज हों और पोर्शन उसका कम रखें, थोड़ी चीज़ खाएं। लाइक आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, आपके घर पिज़्ज़ा है, आपके फ्रिज में पड़ा है और आपको बहुत क्रेविंग हो रही है खाने की, तो आप क्या करें कि अपनी उसको क्रेविंग को रोके ना, आप थोड़ा सा खा लें, ठीक है, लेकिन अगेन थोड़ा सा। इससे क्या होगा, आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपकी डाइट में भी कोई किसी किस्म की जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट इज़ वाटर। वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग आवर डाइट। पानी क्या करता है, हमारी भूख को सप्रेस करता है। पानी ज़्यादा पियेंगे आप, हाइड्रेट रहेगी बॉडी और भूख आपको कम लगेगी। आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने खाने से पहले, स्पेशली अपने लंच से पहले, एक गिलास ज़रूर पानी पिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑयल। ऑयल शुड बी अवॉइडेड। अगर आप फ्राई फॉर्म में कोई चीज़ ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रेकफास्ट में एग ले रहे हैं, आप उसको फ्राई के बजाय आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, पराठे के बजाय रोटी ले सकते हैं, सादी सालन जो है उसमें भी कोशिश करें कि आप जो ऑयली पार्ट है उसको अवॉइड करें और साइड से जो है थोड़ा ले लें और ड्राई फॉर्म में ले लें, ताकि क्या हो कि ऑयल कंजम्पशन कम से कम हो। आवर नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम आवर ड्यूज लिस्ट इज़ करेक्शन ऑफ आवर स्लीप साइकिल। मोस्टली जो है आजकल की जनरेशन, उनका टाइम ये होता है कि लेट नाइट जो है वो जागते हैं। अगर आप लेट नाइट जागेंगे तो इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि आप लोग को भूख लगेगी। तो इसका जो है बेस्ट वे यही है कि जो मिडनाइट क्रेविंग्स हैं, इनसे सब बचने के लिए आप टाइम से जो है वो सो जाएं। उसके अलावा अगर आप अपना स्लीप साइकिल जो है उसको करेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो भी सही हो जाता है, वो भी आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इट्स वेरी 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 इफ़ेक्टिव। अगर आप अपना स्लीप साइकिल सही कर दें तो आपके जो खाने की रूटीन है वो सही हो जाएगी, आपके जो हार्मोनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम आर डोंट लिस्ट इज़ शुगर। शुगर जो है वो बिल्कुल हम लोगों ने अपनी लाइफ से निकाल देनी है, अगर आप वाकई ही पतला होना चाहते हैं तो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। मैं आपको अपनी एग्जांपल से ये बताऊंगी कि मैं जो हूँ मीठा बहुत शौक़ से खाती हूँ, एंड आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अवॉइड इट कम्प्लीटली, लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों ने शुगर की जगह फ्रूट्स को ऑप्ट करना है। लाइक कि आपका कुछ भी मीठा खाने का दिल हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी केक, पेस्ट्री या किसी भी डिज़र्ट की बजाय जो है कोई फ्रूट ले लें। और आप लोग अगर चाय लेते हैं मॉर्निंग में या कॉफ़ी लेते हैं शुगर के साथ, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप जो है उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। लाइक अगर आप वन कप लेते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ चाय, तो आप कोशिश करें कि उसको आप हाफ कप कर दें। इससे क्या होगा कि अगर आप वन कप में 2 टीस्पून ऑफ शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हाफ कप चाय ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ 1 टीस्पून आपकी शुगर जो है वो जाएगी। इस तरह से आपकी शुगर कंजम्पशन जो है ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। इवनिंग में आपने कोशिश करना है कि आप ग्रीन टी जो है वो ले, विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट। सेकंड पॉइंट फ्रॉम आवर डूज लिस्ट इज़ वॉक। वॉक जो है आप लोगों ने अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करनी है। बीइंग हाउसवाइफ या आपके पास ऐसा टाइम जो है वो नहीं निकलता जिसमें आप जिम जा सकें, तो आप लोगों ने क्या करना है, वॉक लाजमी करनी है। वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट 10 मिनट से। आप इवनिंग में कोई टाइम रख लें, आफ्टर डिनर कोई टाइम डिसाइड कर लें, जस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करें और उसको ग्रेजुअली जो है आप उस टाइम को इंक्रीज़ करते जाएं। बट वॉक जो है वो ज़रूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम आर डोंट लिस्ट इज सॉल्ट। सॉल्ट इनटेक जो है हम लोगों ने कम कर देना है। हमें ऐसा लगता है कि शुगर जो है वो हार्मफुल है और सॉल्ट जो है हम डाइट के दौरान जितना मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली इन डिनर आप लोगों ने सॉल्ट को कम से कम रखना है और कोशिश करनी है कि आप ना ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ये ऐसे नहीं कर सकते, जाहिर बात है इंसान की एक हैबिट बनी होती है, लेकिन ये अडेप्टेबल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि ग्रेजुअली अपने सॉल्ट की अमाउंट को स्पेशली इन डिनर जो है आपने कम करते जाना है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा।